This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes once again, and I am recording the third question of the day. And again, I would like to tell you that part B and part C majorly works on elimination method. Like we have done two questions of part B priorly, and now we are doing part C ka fourth question. Which one of the following is mentioned in the paragraph 3 as a way in which employers can help improve the physical fitness and हेल्थ ऑफ देयर स्टाफ. तो बड़ा इजी क्वेश्चन है कि हमें मेन ये नहीं बताना कि फिजिकल फिटनेस और हेल्थ फिटनेस इम्प्रूव करनी है. मेन ये बताना है कि एम्प्लॉयर्स के हिसाब से बेस्ट वे या बेस्ट वे नहीं कौन सा वे दे रखा है एम्प्लॉयर्स के हिसाब से. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एम्प्लॉयर्स के हिसाब से बेस्ट वे क्या है एम्प्लॉयज की फिटनेस को इम्प्रूव करने का और हेल्थ को इम्प्रूव करने का पैराग्राफ 3 से. तो पैराग्राफ 3 ये रहा, आराम से पैराग्राफ 3 पे. The main reason why people fail to take exercise is the lack of the time. Thus, an important message is that exercise can be part of daily routine. क्योंकि अलग से time निकालना मुश्किल होता है, तो office में काम करते हुए daily routine में ही walking, cycling ऐसी facilities होनी चाहिए. जैसे आपको पता है, Google एक world की सबसे बड़ी company है, वो अपने employees को ये सब facilities देती है. Relatively few people in the National Fitness Survey had walked continuously for even 1 to 25 kilometer in the previous month. यानी कि जो नेशनल फिटनेस का सर्वे हुआ है उसमें बहुत कम लोग हैं जो 1 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के बीच में भी चलते हैं, यानी 25 किलोमीटर से भी कम चलते हैं पिछले महीने में. एंड अदर सर्वेज हैव फाउंड लिटिल वॉकिंग. तो मेरा क्वेश्चन ये सब नहीं है. इस अब मैं जितना इसको डीपली पढ़ रहा हूँ ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. ये मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन पेपर में मेरा सारा ध्यान एक ही तरीके पे होगा, एम्प्लॉयर्स को क्या लगता है बेस्ट तरीका क्या है. साइकिलिंग इज ऑल्सो बेनिफिशियल. ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि एम्प्लॉयर वर्ड नहीं आया. Certain more cycle routes are now this and this outweighed by estimated. ये भी मेरा आंसर नहीं है. Employers could encourage people to make exercise part of their working day by providing showers and changing room, flexible working hours, individual counseling by the occupational. तो employer क्या क्या कर सकते हैं, shower, changing room, working environment, counseling by occupational or personal staff and sometimes exercise facilities. और एटलीस्ट एनकरेजमेंट फॉर एक्सरसाइज ग्रुप, या फिर सिर्फ एनकरेज कर सकता है. मतलब एम्प्लॉयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है, बेसिकली आंसर ये होना चाहिए. मेकिंग इट मैंडेटरी. मैंडेटरी वर्ड तो गलत है. मैंडेटरी का मतलब होता है मतलब जरूरी कर दो, कंपल्सरी कर दो. तो कंपल्सरी वाली बात तो नहीं की है. अगेन एलिमिनेशन मेथड से मेरा ये वाला तो वर्ड बाहर हो गया. प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट एंड एडवाइस फ्रॉम द स्टाफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. हायरिंग ट्रेंड स्पोर्ट्स एजुकेटर्स टू काउंसिल मेंबर्स ऑफ द स्टाफ अबाउट एक्सरसाइज. वहां पे ट्रेंड वर्ड दिया था, ट्रेंड स्पोर्ट्स एजुकेटर्स, ट्रेंड स्पोर्ट्स एजुकेटर्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ और पर्सनल स्टाफ. पर्सनल स्टाफ का मतलब मोस्ट प्रोबेबली मेरे को इस वर्ड का अच्छे से नहीं पता, शायद विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो बी वाला आंसर ज्यादा मिलता है. पर फिर भी ट्रेंड वर्ड नहीं दे रखा, तो अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं सी को भी एलिमिनेट करना ही चाहूंगा, क्योंकि मतलब मुझे पर्सनल का अच्छे से नहीं पता क्या मतलब होता है, तो दोनों में से एक होता है. पर मेरे को ट्रेंड वर्ड नहीं दे रखा, तो अभी के लिए तो मैं इसको बाहर ही करना चाहूंगा. सेटिंग एन एग्जांपल एज इंडिविजुअल्स बाय रेगुलरली एक्सरसाइजिंग. तो खुद एक्सरसाइज करके दिखाए, खुद एग्जाम्पल बने, ऐसा भी नहीं कहा. तो कन्फ्यूजन तो बी और सी के बीच में है. तो प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट एंड एडवाइस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या तो ये आंसर हो सकता है, या ट्रेंड स्टाफ करे. लेकिन ट्रेंड स्टाफ में भी उसने ये तो नहीं कहा था ना पक्का ट्रेंड स्टाफ को करे. उसने कहा था कि या तो ट्रेंड स्टाफ हो, नहीं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हो, या फिर पर्सनल स्टाफ भी चल जाएगा. तो आंसर मेजरली बी लग रहा है. अगेन इसको लेके भी मैं श्योर नहीं हूँ, पर आप प्लीज़ अगर मेरा आंसर ठीक है, अगर गलत है तो बात अलग है, अगर मेरा आंसर ठीक है तो प्लीज़ आप देखो ये वाला क्वेश्चन ना मैं तंग हो रहा हूँ. तो मेरा मन ज़्यादा मन मेरा सी करने का है, सच बता रहा हूँ. लेकिन मैं अपने क्वेश्चन को हमेशा ये सोच के करता हूँ, नहीं नहीं मेरा पेपर आसान आया. आपको भी पेपर में ऐसे ही सोच के अटेम्प्ट करना है कि आपका पेपर, जैसे ही आप सोचोगे पेपर मुश्किल आया है तो आप पक्का बी को एलिमिनेट करोगे. लेकिन मैं यही सोच के चाहे ये मेरा क्वेश्चन गलत भी हो जाए, फिर भी मैं अपनी मेंटेलिटी को यही रखना चाहता हूँ कि मेरा पेपर आसान आया, तो मैं आसान पेपर के हिसाब से ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा माइंड पॉजिटिव रहे बाकी क्वेश्चंस के लिए. अगर ये गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपकी ओईटी रीडिंग पार्ट सी के लिए. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर रीडिंग ओईटी पार्ट सी. तो आप मुझे आंसर बता सकते हैं प्लीज. बी इज करेक्ट आंसर सर. देन इट्स फाइन, क्योंकि मतलब मैम आपने भी यही सोच के किया होगा
कि आपको लगा होगा कि सी ज्यादा दे रखा है, पर ट्रेंड वर्ड नहीं दे रखा, स्पोर्ट्स वर्ड नहीं दे रखा, एजुकेटर वर्ड नहीं दे रखा, हायरिंग वर्ड नहीं दे रखा, तो काफी वर्ड्स मिसिंग थे। इसलिए मैंने अपने क्वेश्चन को साउंड समझ के ही किया ताकि मैं इजीली कर सकूं। और पर्सनल वर्ड का मतलब शायद विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, तो हम एक बार देख लेते हैं इसको करके पर्सनल वर्ड। हमें आगे से हमें भी सबको सीखने को मिल जाएगा कि पर्सनल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो पर्सनल पीपल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड अंडरटेकिंग सच एज मिलिट्री सर्विसेज। तो पर्सनल मीनिंग का मतलब यही है कि पीपल जो एम्प्लॉय हो चुके हैं यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सनल मीनिंग इन इंग्लिश इज दैट मैनी पीपल एंगेज्ड इन, तो मतलब जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनी ऑफ द स्टाफ एम्प्लॉयज को ही बोलते हैं पर्सनल। तो उसने बी पार्ट में यही दिया था कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट मेक्स इट करेक्ट। सो द आंसर इज बी। This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute telling you that you should always think lightly, क्योंकि पेपर में 42 में से ज्यादा क्वेश्चन जो आने हैं वो आसान वाले आने हैं। तो प्लीज माइंड को पॉजिटिव रखो, ऐसा एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए आसान सोचने के चक्कर में तो कोई बात नहीं, एक आधे क्वेश्चन को गलत होने दो, 5 क्वेश्चन को गलत होने दो, तब भी अगर आप आसान सोचोगे तो जो 37 बाकी आसान क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएंगे। प्लीज अपने माइंड को नेगेटिव मत करो, नेगेटिव सिर्फ एक चीज में करो कि एलिमिनेशन मेथड को समझो। एलिमिनेशन का मतलब जो मैच नहीं कर रहा, जैसे ए और डी मैच नहीं कर रहा था उसको तो बिल्कुल ही बाहर कर दो। सो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ओईटी रीडिंग। दिस वाज अ पार्ट सी क्वेश्चन। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट। थैंक यू। अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 7696734256। थैंक यू।